हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फेथ। मोमेंट ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो ये जो आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर आईआईटी जेम की मार्क्स जो है हमारा एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेज रैंक क्या होगी। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी जेम 2021 में एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेज रैंक क्या होगी, आईआईटीज के लिए क्लोजिंग रैंक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियोज में सेपरेट बनाऊंगा। इसमें हम लोग अभी मार्क्स वर्सेस रैंक डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी जैम में हमारा 2021 में क्या होगा। इसकी मैंने एनालिसिस भी करी है, फिर से एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, एक बार फिर से मैंने एनालाइज करा है पूरे पेपर को, सारी चीजें मैंने देखी हैं और उसके हिसाब से एनालिसिस का एक वर्जन 2.0 जो है मैं फिर से एक बार लेकर आऊंगा। तो अभी आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग ये जो है मार्क्स वर्सेस रैंक, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक आईटी जेम फिजिक्स 2021 के लिए जो डेटा है, मैं स्टार्ट करता हूँ, काफी एनालिसिस करने के बाद है। अच्छा, इसके बारे में एक सबसे पहले बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये परफेक्ट नहीं ना, ये वेरी कर सकता है रिजल्ट के हिसाब से, थोड़ा सा भी डिफरेंस आ सकता है, बहुत सा भी डिफरेंस आ सकता है। ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, जो मेरा व्यू है तो मैं अपना व्यू रख रहा हूं यहाँ पे। इट मे बी वेरी, ये बदल सकता है और ये वेरी करेगा, डेफिनेटली करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादा आ जाए तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, बच्चों का कहना सर जो भी हो आप बताओ, बाकी तो फिर रिजल्ट तो आना ही आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, अच्छे से आओ, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जहां जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो ले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेज रैंक, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ और इसको मैं बीच बीच में बताता चलूंगा, रैंक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इतने मार्क्स है मेरे आईटी कैसे मिलेगी। देखो, सबसे पहले तो ये पता करो आईटी कौन सी मिलेगी, सर मुझे खड़गपुर मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मुझे एनआईटी वारंगल मिल पाएगी, इस तरह के कमेंट आते हैं। तो ये आप खुद लॉजिकली सोचो, अभी मार्क्स पे आपकी रैंक नहीं है अभी तक फिक्स है, रिजल्ट आएगा तभी तो मार्क्स पे रैंक फिक्स होगी। और दूसरी चीज, आपको खुद नहीं मालूम है कि आईआईटी जो है कितने मार्क्स पर, कितने रैंक पर मिलती है कौन सी आईआईटी। तो एटलीस्ट डू सम एनालिटिक्स और डू सम गूगल करो, चीजों को पता करो कि भाई आईआईटी खड़गपुर कितने पे मिलती है, उसके बाद मुझसे पूछो कि सर इस रैंक तक मेरी इतनी रैंक आ पाएगी कि नहीं, मैं ये जवाब दे सकता हूं। अब पर्टिकुलरली माइंड में हर वक्त थोड़ी नहीं रहता है कि इस आईटी इतने 318 पे बंद हुई थी और 318 के मार्क्स, इतना हर चीज माइंड पे नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या है, आप मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि आईटी क्लोजिंग रैंक की। तो चलो अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का काम की चीज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ये है मार्क्स वर्सेस रैंक। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 50 रैंक के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, ये हमारे मार्क्स होने चाहिए 60। और जो मेरा पैटर्न रहेगा, पैटर्न आप समझ लीजिए, मेरा पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा +1 और -2, यानी कि थोड़ा सा ढीला हो गया पेपर, तो ये मान के चलो कि आप एक नंबर और 50 रैंक आएगी 61 पे ऐसे। और अगर मान लो कि एक्सपेक्टेड ये है, चांसेस इस बात के कि कम होगा, फिर भी मैंने एक एवरेज लेकर चल रहा हूं, लेकिन मेरा एवरेज बीच का नहीं है, नीचे होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए -2, घटने के -2 ज्यादा चांसेस है और ऊपर बढ़ने के +1 है। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि 58 से लेकर 61, इसका मतलब ये रेंज हो गई 58 से लेकर 61। तो आप नीचे तक जो है आप क्या करोगे, +1 और -2 रेंज के लिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, मैंने बीच वाला एवरेज नहीं लिया है, मैंने इस तरह से एवरेज लिया है। पर फिजिक्स के मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, सब टीचर हैं, तो थोड़ा सा उस तरह से सोचना चाहिए, ठीक है। चलो बहरहाल, अभी यहां पर 100 रैंक के मार्क्स, रैंक के लिए जो मार्क्स आने चाहिए वो 55 होने चाहिए, ठीक है। और 150 रैंक जो है हमारी 51 मार्क्स पर आएगी, और 48 ये हमारी 200 रैंक जो है 48 मार्क्स पर आएगी। सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे में बना दूं क्या, यूं इसका ये ऐसे सीधा वो बन नहीं रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 250 रैंक के लिए हमारे होने चाहिए 46 होने चाहिए 46, और इसके साथ हमारा 300 के लिए हमारे होने चाहिए 44, और 42 पर हमारी 42 पर रैंक हो जाएगी 350, ठीक है, और 350, और 41 पर हमारी रैंक हो जाएगी 500, 41 पर हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, नहीं 41 पर हो जाएगी 400। काफी रात हो गई थी बनाते बनाते, इसका जो है पूरा एनालिसिस करते हुए काफी टाइम लग रहा है सब चीजें करने में, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है।
ये हमारा ये हो गया, ये डेटा है, हाँ यहाँ तक करेक्ट है, 39 पर 500 के आने के चांसेस है। तो ये हमारा 37 भी हो सकता है और 40 तक 500, मतलब इतना तो मेरा जो आइडिया है इतना तो मुझको लगता है कंफर्म ही है, फिर भी देख ले हो, वेरी कर सकता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो मेरा एनालिसिस है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूं। तो 37 मार्क्स पर हमारे 650 रैंक आएगी और 36.5 पर हमारी 700 हो जाएगी और 35, इस बार डेंसिटी ज्यादा है, इस बार जो डेंसिटी है वो हमारी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा बच्चे स्कोर करें तो डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। जरा से मार्क्स पे, एक मार्क्स पे रैंक में जो वेरिएशन होगा वो जबरदस्त होने वाला है इस बार। 32 मार्क्स पे 1250 आने के चांसेस हैं और 31 मार्क्स पे 1400 और 30 मार्क्स पे हमारे 1600 ये रैंक हमारी आ सकती है और 28 पर हमारी जो रैंक होगी वो 2000 हो जाएगी। और इसके साथ साथ दो तीन नीचे के और डेटा मैं दे दूं, 25 पर जो रैंक होगी वो हमारी हो जाएगी 2500, ठीक है, ये हमारा ऐसे मैं बना दूं तो ऊपर नीचे ना हो जाए, पर्टिकुलरली किस लाइन के लिए कौन सा है, ठीक है, ये हमारा है। और 25 पर 200 और 20 मार्क्स पर जो हमारी रैंक हो जाएगी 20 पर 2900, ठीक है, और 15 मार्क्स पर हमारा 15 पर 4500 और 11 मार्क्स पर हमारा 6000। तो ये हमारा जो है डेटा है, अगर नीचे का पता नहीं कट गया है कि नहीं कट गया, वीडियो में देखना पड़ेगा, फ्रेम में कट तो नहीं जा रहा है, शायद मेरे हिसाब से कट गया है, हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इतना नीचे नहीं आता इतना आता है, फिर भी 20 पर ये मान लो, मैं इसको आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं साइड में लिखे दे रहा हूं, 25 से मैं लिखे दे रहा हूं, 25 पर हमारी 2500, ठीक है, 25 पर 2500 और 20 पर 2900 और उसके बाद हमारी 15 पे 4500 और 11 मार्क्स पे 6000 आने के वो है। तो ये लॉजिक जो है -2 -1 वाला लगेगा। जैसे सपोज करिए कि 850 रैंक की बात करूं तो 36 तक भी हो सकता है, वर्स्ट केस अगर आपका हो तो 36 तक आपकी 850 होगी और अगर नॉर्मल जो मेरे हिसाब से है कि वो 33 पर भी 850 रैंक आ सकती है, ये वेरी करेगा। ये 4 मार्क्स का जो मैंने 3 मार्क्स का दे दिया है, 36 से लेकर हमारा 33 मार्क्स तक, तो जैसे इसके लिए 37 है तो 650 मार्क्स आपके 38 पर भी आ सकती है और 35 पर भी आ सकती है। तो ये लॉजिक, ये रेंज के हिसाब से मैंने बता दिया है। और जो रैंक है, रैंक को भी आप जरा सा 25-25 यहां पर आप क्या कर सकते हो, 25-25 लगभग 25-30 वेरी कर सकते हो, मतलब इसका मतलब यहां पर है कि 30 से लेकर 70 तक यहां पर आप मान लो 130 से लेकर मतलब यहां पर आप मान सकते हो 125 से लेकर 75 रैंक तक, यहां से आप मान सकते हो 175 से लेकर 125 तक, यहां पर आप मान सकते हो 230 से लेकर और 170 के बीच, तो ये कुछ रैंक आप मान सकते हो 220 से लेकर और इतना यहां पर आप मान सकते हो 350 से लेकर 250 तक और यहां पर आप मान सकते हो 400 से लेकर 300 के बीच में हमारी ये रेंज को भी आप रैंक को भी थोड़ा ऊपर नीचे ले सकते हो, फिर भी काफी क्लोज आपको आइडिया मिल जाएगा। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि ऐसा ही रिजल्ट है, अगर इससे और वर्स्ट केस चला गया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पता चला 40 पे 700 रैंक पहुंच गई तो बड़ी काफी लोगों का अच्छा नहीं होगा। तो मैं बच्चों का भला ही चाहता हूं कि बच्चे अच्छा करें और आईआईटी जाएं, कोई ना कोई बच्चे काफी परेशान है, तो देखो परेशान है। अब ये हो गया, तो जो बच्चे आए थे सिर्फ इसलिए तो उनका तो हो गया, उनके लिए टाटा बाय बाय, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, उनके लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो एग्जाम तो हो गया आईआईटी के, ठीक है, कॉम्पिटिशन अभी खत्म नहीं हुआ, एक एग्जाम खत्म हुआ है, कॉम्पिटिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और भी मौके हैं। जस्ट इस बार ऑल थैंक्स टू गॉड कि इस बार जस्ट के लिए मौका मिला है आपको, 11 अप्रैल तक है, मतलब जस्ट में भी आराम से करा जा सकता है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, आपको कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें कवर करनी है। अब हम लोग फोकस क्या करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा लो जस्ट के लिए पहले बताएं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था मार्क्स वर्सेस रैंक का, हमने कहा अगर कहीं जस्ट के लिए बताने लगे तो बच्चों का, काफी बच्चों का भरोसा टूट जाएगा जो हमारे सब्सक्राइबर है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर मार्क्स वर्सेस रैंक बताएं। अब मैं जो वीडियोस लाऊंगा वो जस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, बीएचयूडीयू की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ाना है, जितना मैं मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारे जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं उतना कवर करने की कोशिश करूंगा कि जो है आप लोगों के लिए कवर करा जाए चीजें, और हम लोग चैनल में काफी कुछ करने वाले हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रिपेयर करिए बाकी एग्जाम्स का, एक जगह नहीं गए तो ऐसा नहीं है दूसरी जगह नहीं हो सकता, टाइम है कर सकते हैं आप बीएचयूडीयू सीयूसेट जैसे एग्जाम पे ट्राई कर सकते हो, अच्छे से करो, मेहनत करो, हर एग्जाम का अपना तरीका होता है, तो उसके हिसाब से देखो, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और यही है कि बाकी एग्जाम की तैयारी करो, अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे नुकसान क्या है, अब आप 3 हफ्ते निकाल दोगे, 20 मार्च तक पूरा आप निकाल दोगे 3 वीक, और यही टेंशन में जैम के रिजल्ट की। तो देख लो, एक आइडिया लगभग लग जाएगा। हम कह रहे हैं इससे और अच्छा हो जाए तब भी बढ़िया है, इससे खराब हो जाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दो, वरना फिर 20 मार्च को सोचोगे बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। तो ये है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स वैसे आइडिया तो लग ही गया होगा जैसे, फिर भी कि भाई यहां तक 33 मार्क्स तक ओबीसी को मिल जाएगा, लगभग 36-37 मार्क्स तक जनरल को आईआईटी मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस का आइडिया तो रैंक से आपको लग ही गया है, लेकिन फिर भी मैं सेपरेट वीडियो बना के एक एक्सपेक्टेड मार्क्स आईआईटी जाने के लिए कितने होने चाहिए इस बार, उनकी एक वीडियो जो है मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, लाइक जरूर कर दे वीडियो को, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।